और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जिन्ना पर सियासत पूरी रफ्तार से जारी है। जौनपुर से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। योगी ने अखिलेश यादव को दंगाइयों और आतंकियों का अनुयायी कहा। योगी बोले, राम मंदिर का निर्माण रुकवाने वाले गन्ने की मिठास क्या जानेंगे। दंगा मुक्त प्रदेश क्या साढ़े चार वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी मार में घुस घुस करके आतंकवादियों को मारा गया। आज आतंकी वारदात भारत के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने, पिछली सरकारों में इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया जाता था। याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की सलाहत रची थी, वो तो धन्यवाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, जिन्होंने प्रदेश सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया था। और भाइयों बहनों, जो ये दंगाई है, जिन्ना के अनुयायी है, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। जिनका विश्वास है वे दंगा करवाते थे, किसानों को तबाह करते थे, नौजवान की जिंदगी बर्बाद करते थे, आस्था पर प्रहार करते थे, लेकिन जिन्हें अपने अन्नदाता किसानों पर विश्वास है, उस सरकार ने क्रय केंद्र स्थापित किए, जिनको अपने युवा, जिन्हें आस्था का सम्मान करना था, उन्होंने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ाया। ये काम पहले भी हो सकता था, आगे किसने रोका था? कांग्रेस को किसने रोका था? बबुआ को, और किसने रोका था? बुआ को, तो पहले भी थे ना, इनको तो थोड़ा मौका मिला था ना प्रदेश में कार्य करने का, लेकिन नहीं, पहले विकास के लिए भी काम होता था, भाई भतीजे बात के लिए काम होता था, अपना पराया था, जाति के नाम पर आते थे, क्षेत्र के नाम पर आते थे, बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाते थे, दंगा करवाते थे, इनके दोहरे चरित्र में कभी मत आना, उनके बहकावे में कभी मत आना, क्योंकि इन लोगों के बयानों से तो गिरगिट भी कभी कभी शर्मा जाएगा, जैसे रंग लोग बदलते हैं, बार बार रंग बदलते हैं। वैसे आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आज सियासी पारा गर्म रहने वाला है। तमाम दिग्गज आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में रैलियां कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज जौनपुर में है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ राजनाथ बूथ प्रभारियों के साथ मुलाकात करेंगे। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हरदोई जाकर राज्यभर की पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, हरदोई में रैली करेंगे। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की रैली है, वहीं प्रियंका गांधी की भी यहां रैली है।